आप सबको स्वागत है। आज हम 9 जून के श्री वेदान में पहुंचे हैं। सदा हर्षित रहना कौन नहीं चाहता है, लेकिन कई लोग सदा हर्षित रहने के लिए धन संपत्ति, ऐश आराम और साथी संबंधी, पोस्ट पोजीशन, हम किसको जानते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों से रिलेट करते हैं अपने आप को। लेकिन क्या वो सदा की हैप्पीनेस है? क्या आप उसको ले करके पकड़ करके हमेशा ही सदा के लिए खुश रह पाएंगे? क्या आप अपने शरीर को ही लेकर के सदा के लिए खुश हो सकते हैं? धन दौलत तो बात ही बात है। तो इसलिए आज परमात्मा में सिखाते हैं कि एक ही तरीका है हर्षित रहने का। चलिए देखें, अपने ही शब्दों में परमात्मा कहते क्या हैं। अपने हर्षित चेहरे द्वारा प्रभु पसंद बनने वाले खुशियों के खजाने से संपन्न भव। पॉइंट्स है यहाँ पर। अपने हर्षित चेहरे द्वारा प्रभु पसंद बनने वाले, परमात्मा कहते हैं बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म होते ही सबको खुशी का बेड़ा का बेड़े से बड़ा खजाना दिया है। बड़े से भी बड़ा परमात्मा ने हमें जो खजाना दिया है वो है क्या? वो है ब्राह्मण जन्म। क्योंकि हम जान पाते हैं कि हमारा पास्ट क्या था, अभी प्रेजेंट में करना क्या है हमें, ताकि हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाए। दुनियावी तरीकों से नहीं सिर्फ, लेकिन गुणों से, शक्तियों से, विजडम से, ज्ञान से, इन सारी चीज़ों को हम जितना अपने अंदर भरेंगे और अपने जीवन में प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही हमें परमात्मा की खुशी और हमें परमात्मा का चेयरफुलनेस, हर्षित मुक्ता, हमें वो गुण मिलते जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली हम परमात्मा के प्यार के लायक बन पाएंगे। फिर परमात्मा कहते हैं ये ब्राह्मण जन्म की गिफ्ट है। बाप दादा हर बच्चे का चेहरा सदा खुश देखना चाहते हैं। सदा हर्षित चेयरफुल चेहरा ही प्रभु पसंद है, क्योंकि वो परमात्मा की क्वालिटीज दर्शाता है। उदास चेहरा परमात्मा की क्वालिटीज नहीं है, वो शैतान की क्वालिटीज है। फिर परमात्मा कहते हैं चेयरफुल चेहरा ही प्रभु पसंद है और हर एक को भी वही पसंद आता है, और दूसरे लोग भी उसी इंसान को पसंद करेंगे जो कि हमेशा हर्षित रहता है, हमेशा चेयरफुल रहता है, हमेशा ही खुश रहता है। सदा खुश रहने के लिए यही गीत गाते रहो कि पाना था वो पा लिया। सारी दुनिया वाले जीवन में क्या क्या नहीं पाना चाहते हैं स्थूल फिजिकल तरीकों से, ताकि वो खुश हो जाए। एक प्रमोशन हो गई तो खुश हो गए, सैलरी बढ़ गई खुश हो गए, ट्रांसफर हो गया अच्छी जगह पर खुश हो गए, बच्चा पैदा हुआ खुश हुए, बच्चे ने अच्छा एक किया स्कोर किया खुश हो गए, बच्चे की नौकरी लग गई खुश हो गए, पत्नी की नौकरी लग गई खुश हो गए, बच्चे की शादी हो गई खुश हो गए। लेकिन क्या सदा के लिए खुश हुए? ये बात तभी हो सकती है जब हमें परमात्मा का प्यार, परमात्मा से कनेक्शन होकर के मिले, बल्कि परमात्मा हमें ढूंढ ले। हम तो ढूंढते आए लेकिन हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं कि हम परमात्मा को ढूंढे, तो परमात्मा को ही इसलिए हमें ढूंढना पड़ता है। कब? जब वो नीचे स्वयं धरती पर आते हैं, जिस कारण से भगवद गीता में लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिः भवति भारतः, कि मैं भारत में उतरता हूँ, मेरा अलौकिक दिव्य जन्म होता है और मैं आकर के सब आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति में ले जाने का रहस्य राज आत्माभिमानी बना करके सिखाता हूँ। तो फिर परमात्मा कहते हैं पाना था वो पा लिया, परमात्मा को पा लिया, परमात्मा के ज्ञान को पा लिया, सृष्टि के सारे सीक्रेट्स को पा लिया, सारे चक्र ज्ञान को पा लिया, और क्या चाहिए? अगर आपको पता चल जाए फ्यूचर क्या है, पास्ट क्या था और प्रेजेंट क्या हो रहा है, करना क्या है, तो ऑटोमेटिकली आपकी दिल की धड़कनें रिलैक्स हो जाएंगी। लेकिन तीनों चीज़ों के बारे में अगर आपको पता ना हो तो आपके मन बुद्धि हमेशा गेस्ट में चली रहेगी और हमेशा ही भटकती रहेगी। तो परमात्मा कहते हैं काम बाकी क्या रहा, जो पाना था सो पा लिया, परमात्मा को पा लिया हमने। नशे से कहो कि हम खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? जिसने भगवान को पा लिया है उसको अगर खुशी नहीं होगी तो होगी किसको खुशी? सोचिए इस चीज के बारे में। और ये कौन सी खुशी है? ये वाली खुशी नहीं जो कि आप एक ही बार में ठाके मार करके बहुत खुश हो जाए, एक्साइटेड हो जाए और फिर थोड़ी देर बाद में बिल्कुल नीचे डाउन। ये एक कॉन्स्टेंट खुशी जो कि बाहर दिखाने की जरूरत नहीं है, वो अंदरूनी खुशी है, अंदरूनी ताकत है। ओम शांति इसके साथ।